हे गाइस वेलकम बैक टू द मिस्टर व्यास। और आज का वीडियो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है गूगल एडसेंस को लेकर के। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि किस तरीके से आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बेसिकली अपनी साइट को सबमिट करते हैं, वन टाइम करता है, रिटर्न रिस्पॉन्स आता है रिजेक्टेड, सेकंड टाइम करता है रिजेक्टेड, और इस तरीके से उनको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पाता है। वो कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं और कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है आपकी साइट को एडसेंस अप्रूवल को भेजने से पहले, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इसको लेकर के एक प्रैक्टिकली वीडियो डिटेल में अराउंड 13 मिनट का मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, जहां पर मेरी साइट एक साइट को एडसेंस अप्रूवल भेजने से पहले और एडसेंस अप्रूवल भेजने मिलने के बाद मैंने वो सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन की हुई हैं। तो उसमें बेसिकली मैंने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे उस वेबसाइट को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, कौन सी चीज कहां पे होनी चाहिए अगर आप अपनी साइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको उस वीडियो के अंदर फुली एक्सप्लेन की गई है लाइव प्रूफ के साथ में। तो आप इस वीडियो को जाकर के डेफिनेटली देखिए, इस वीडियो के अंदर मैंने वो सारी डिटेल वीडियो की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल वहां पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। एडसेंस अप्रूवल क्यों नहीं मिल पाता, उसके सिर्फ सिंपल और क्लियर वजह है कि आप कुछ चीजें हैं जो ध्यान नहीं रखते हैं उसे भेजने से पहले, और देन सडनली आप बोलते हैं कि हमें रिजेक्शन आ गया। तो ये सारी चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन की हुई है। और गाइज इसी तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि यहां पर आने वाले हर वीडियो की इंस्टेंट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया हो तो यार सब्सक्राइब के बटन को डेफिनेटली क्लिक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की इंस्टेंट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए गाइस शुरुआत करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रैक्टिकली डेस्कटॉप पे वीडियो देखना है, जहां पर मैंने उसको डेस्कटॉप की स्क्रीन पे सारा चीज एक्सप्लेन की है। तो ये जो वीडियो है उसको डेफिनेटली जाकर के देखिए, उसमें सारा एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप देके रखा हुआ है। चलिए गाइस सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो आपको काम करना है वो है आपको एक कस्टम डोमेन खरीदना है। जी हाँ, हो सकता है आप ब्लॉगर में साइट बनाए या फिर वर्डप्रेस में साइट बनाए, डेफिनेटली अगर आप ब्लॉगर में बना रहे हैं तो आपको वहां से blogspot.com के नाम से एक डोमेन मिलता है, लेकिन आई रिकमेंड कि आप उसके साथ एडसेंस अप्रूवल के लिए मत भेजिए। एक कस्टम डोमेन खरीदिए, गोडेडी पे जाइए, जो आपको सही लगता है वहां पे जाके खरीद लीजिए, जो करीब 100 रुपए में आपको एक साल का मिल जाता है इनिशियली, वहां से जाकर के कस्टम डोमेन खरीदिए। उस डोमेन को आपको अगर वर्डप्रेस की साइट है तो वहां पे लिंक कीजिए, और वर्डप्रेस के बगैर अगर आप ब्लॉगर में है तो आप ब्लॉगर के साथ लिंक कीजिए। देखिए एडसेंस अप्रूवल का ब्लॉगर में आपकी साइट का होना या वर्डप्रेस में होना इससे कोई मैटर नहीं करता है, व्हाट मैटर करता है वो सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आपका कस्टम डोमेन होना चाहिए, अगर आपका कस्टम डोमेन नहीं है तो उसे आज के आज परचेज करके उसको लिंक करें। सेकंड चीज, उस कस्टम डोमेन को एटलीस्ट 15-20 डेज ओल्ड होने दीजिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि आज डोमेन खरीदा साइट के साथ मैप किया और भेज दिया, नहीं, उस कस्टम डोमेन को थोड़ा ओल्ड होने दीजिए। अगर वो डोमेन ओल्ड होगा तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट देगा, तो आपको पहला काम ये करना है। दूसरा जो पार्ट वो आपको करना है वो कुछ मैंडेटरी पेजेस है जो आपके साइट के साथ ऐड करने हैं, जैसे कि अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, ये तीन ऐसे मेन पेजेस हैं जो आपकी साइट पर डेफिनेटली होने चाहिए। किस तरीके से इन पेजेस को ऐड करना है उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ, सारा कंटेंट एज इट इज ला करके पेस्ट कर दीजिए आपकी साइट पे और आपके ये तीनों पार्ट हो जाते हैं। तो अबाउट अस में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपकी साइट किस तरीके की है, जो आप कैटेगरीज बनाने वाले हैं साइट में वो कैटेगरीज कौन कौन सी है, तो ये सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन कर दीजिए। कॉन्टेक्ट अस के अंदर आपकी ईमेल आईडीज और छोटा सा 2 लाइन लिख करके रख दीजिए, और प्राइवेसी पॉलिसीज आप एज इट इज गूगल से कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं, यहाँ पे कॉपीराइट का कोई भी इशू नहीं होता है। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सारे इंपॉर्टेंट पेजेस होने चाहिए। थर्ड जो पार्ट है वो है मिनिमम पोस्ट। मैंने देखा है कि कुछ लोग क्या करता है कि नई वेबसाइट बनाते हैं, एक पोस्ट डालते हैं, उसको एडसेंस के लिए भेज देते हैं। कौन देगा भाई आपको अप्रूवल? कोई नहीं देने वाला। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, एटलीस्ट मिनिमम 10 पोस्ट होने चाहिए, मिनिमम 10 पोस्ट होने चाहिए, और एक हर पोस्ट की जो एवरेज लेंथ है वो अराउंड 800 से 1000 वर्ड के बीच में रखी है, क्योंकि इतनी लेंथ होने से एक लेजिट कंटेंट रहेगा, कंटेंट के अंदर क्वालिटी रहेगी, तो हर किसी को अगर एड डिस्प्ले भी करवाना होगा तो वो डेफिनेटली आपकी साइट को अप्रूव कर देगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, मिनिमम 1000 वर्ड के एटलीस्ट 10 पोस्ट होने चाहिए, तभी आपकी साइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में जो, जैसे कि हमने पहले बात की यहाँ पे कस्टम डोमेन की, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पेजेस की, इसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट की, और जो चौथी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका एक सोशल मीडिया का अकाउंट होना चाहिए। आपकी साइट की कहीं ना कहीं ऑथोरिटी होनी चाहिए, तो आप सिंपली या तो फेसबुक के एक पेज क्रिएट करके रख लीजिए और ट्विटर पे एक पेज क्रिएट करके रखिए, दोनों के आइकन्स को या दोनों के पेजेस को आपकी साइट के साथ लिंक कर दीजिए। ये क्या कर देता है, आपकी साइट का एक सोशल प्रूफ देता है, जिससे कि उनको लगता है कि साइट ऑल लेजिटिमेट है, यूजर डेफिनेटली साइट को ला करके बात
बाद में जाकर के फ्यूचर में किसी न किसी तरीके का कोई इम्प्लीमेंटेशन करेगा। तो क्योंकि एड्स फ्री की नहीं आती है, समवन इज पेइंग देम, कोई उनको पे कर रहा है, इसकी वजह से वो एड आपकी साइट पर डिस्प्ले हो रही है। तो वो नहीं चाहते कि किसी एक अननोन साइट पे या फिर एलिजिट साइट पे वो आपकी एड को डिस्प्ले करे। तो ये अप्रूवल प्रोसेस चाहे मैन्युअली भी हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है, लेकिन ये जो चार क्राइटेरिया है आपको डेफिनेटली फिट करना है आपकी साइट के अंदर। इन सारी चीजों को डिस्कस, ये सारी चीजें होने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइनल क्राइटेरिया है वो आपकी पेज की स्पीड। आप ऐसी थीम यूज कीजिए, डेफिनेटली आपकी थीम कौन सी यूज करना है। अगर आप ब्लॉगर में हैं तो कलर्ड मिनिमा 3 एक फ्री थीम है, इजी टू ऑप्टिमाइज और बहुत ही उसका अच्छा लुक है, नाइस लुक है, जो कि मैंने उस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। उस फ्री थीम को इंस्टॉल कीजिए, उसको कस्टमाइज कीजिए और इसके बाद में आपकी साइट की स्पीड भी अच्छी रहेगी, उसका व्यू भी अच्छा रहेगा, 10 और 10 पोस्ट अच्छे तरीके से दिखेंगे और ये साइट आप एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। थीम का भी सिलेक्शन आपको सही से करना है क्योंकि थीम के बेसिस पे आपकी साइट की जो स्पीड है वो ऑप्टिमाइज होती है। सो गाइस, इतने सारे पैरामीटर अगर आप मैच कर लेते हैं और फिर एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो गारंटीड आपको अप्रूवल मिल जाएगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही और वो वीडियो को देखना ना भूलो। वीडियो के अंदर सारी चीजें हमने डिटेल में एक्सप्लेन करके रखी है, सारी इन्फॉर्मेशन हम इसके बाद में आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए, उस वीडियो को देखना ना भूले क्योंकि इसका मोटिव था आपको उस वीडियो तक पहुंचाना, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं लेकिन कोई भी उस वीडियो को जाकर के नहीं देख रहा है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।